हेलो चिल्ड्रंस, टेक आउट पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, चैप्टर 1। हमारा आज का नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए? कैन यू टेल मी? बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, मैनी एंड फ्यू, इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड टॉप एंड बॉटम। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट है नियर एंड फार। नियर मीन्स होता है, देखिए ये गर्ल के पास दोनों हाथ में नियर है ना। नियर मीन्स होता है पास में। क्या होता है? पास में, राइट। और फार का मतलब होता है दूर। फार मीन्स क्या होता है? दूर। समझ आया? नियर मीन्स पास में और फार मीन्स होता है दूर। जो चीज आपके पास है वो नियर कहलाएगी और जो आपसे दूर है वो फार कहलाएगी। आपकी बुक में क्या दिया है? अ बैग इज नियर द गर्ल। जो बैग है वो गर्ल के पास पड़ा है। और द हाउस इज फार फ्रॉम द गर्ल। जो सन के नीचे आपको हाउस दिख रहा है वो क्या है? वो लड़की जहाँ बैठी है उससे दूर है ना। लेट्स लर्न अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, बिफोर एंड आफ्टर। आपकी बुक में बिफोर एंड आफ्टर दिया है, मैं आपको बिटवीन भी बताऊंगी। क्या होता है बिफोर? बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और बिटवीन मीन्स होता है बीच में, राइट। तो एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। देखिए हमने फ्रीज में से क्या निकाला? ये क्या दिख रहा है आपको? बर्फ। बिफोर मीन्स क्या बताया मैंने? पहले। और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। तो पहले क्या था? बर्फ। अगर हमने बर्फ फ्रिज में से निकाल लिया और उसको बाहर रख दिया कुछ देर के लिए, तो वो बर्फ का क्या बन जाता है? पानी। तो ये क्या है? बर्फ। और ये क्या हो गया? थोड़ी देर बाद पानी। तो बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर आपको टीथ बताएं, बिफोर एंड आफ्टर। पहले आपके इस पिक्चर में देखिए दांत कितने गंदे हैं, है ना, क्योंकि ये ब्रश नहीं करता है। और ये बॉय है वो ब्रश नहीं करता, तो इसके दांत गंदे। और ये गर्ल है ये ब्रश करती है रोज, तो इसके दांत वाइट हैं, राइट। इसलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए, ओके। लेट्स लर्न अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, ऑन एंड अंडर। ऑन एंड अंडर। ऑन का मतलब क्या हो गया? ऊपर। और अंडर मीन्स नीचे। अब बोलोगे टीचर आपने तो क्या बताया था? बॉटम मतलब भी नीचे बताया था, है ना, और टॉप मतलब भी ऊपर बताया था। तो ऑन का मतलब भी ऊपर ही होता है और अंडर मीन्स जस्ट नीचे। बॉटम का मतलब क्या होता है कि जैसे टेबल के बाहर पास में भी पड़ा होगा तो वो बॉटम होगा। और अंडर का मतलब टेबल के जस्ट नीचे। देखिए आपकी एक कैट है जो चेयर के ऊपर बैठी है और ये कैट टेबल के नीचे बैठी है। यहाँ पर देखिए बॉक्स के ऊपर एप्पल पड़ा है, ये बॉक्स के जस्ट नीचे एप्पल पड़ा है। अगर ये एप्पल बॉक्स ऐसे जैसे ये ऑन में पड़ा है बॉक्स, वैसे ही ये बॉक्स पड़ा होता और उसके पास एप्पल पड़ी होती तो वो बॉटम हो जाता, ठीक है। ये बॉक्स के नीचे पड़ा है इसलिए ये अंडर है। तो ऊपर
और नीचे बोलने में सेम है बट थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो, इस पिक्चर में अबव, अबव मतलब ऊपर, ऊपर कौन दिख रहा है, ये जो गर्ल है वो क्या है अबव और ये बॉय है वो बिलो। वेयर इज द एरोप्लेन, इस पिक्चर के अंदर आपको एरोप्लेन कहाँ दिख रहा है, बिलो द क्लाउड, क्लाउड के नीचे और अबव द क्लाउड, ये क्लाउड्स के ऊपर है, तो बिलो और अबव, समझ आ गया। चलिए तो हम अपनी बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सर्कल द वन हु इज आउटसाइड द हाउस, पेज नंबर 67। कौन सा पेज है, पेज नंबर 67 पे पढ़ रहे हैं हम। सर्कल द वन हु इज आउटसाइड द हाउस, हु इज आउटसाइड द हाउस, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कौन है घर के बाहर, बर्ड, कौन है घर के बाहर, बर्ड। टिक द वन हु इज ऑन द स्टूल, स्टूल के ऊपर कौन खड़ा है उस पे आपको टिक करना है, कौन खड़ा है, गर्ल, कौन खड़ा है, गर्ल। टर्न द पेज, पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर सी, हु इज एट द बॉटम ऑफ द लैडर, बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर के नीचे की तरफ कौन है, बॉटम में कौन खड़ा है, ये। क्वेश्चन नंबर डी, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द गर्ल, राइट, यस और नो, चिड़िया इस लड़की के ऊपर उड़ रही है, यस और नो, क्या लिखेंगे हम, यस, क्या लिखेंगे, यस, है ना, चिड़िया देखो गर्ल के जस्ट ऊपर उड़ रही है, अबव। Find a big object and a small object in your classroom. Draw and color them. तो क्लासरूम तो आप सबने देख रखा है, आपकी क्लास में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट और सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और कलर भी करना है, तो ये आपके लिए छोटा सा HW, ठीक है, आया समझ में। अब मैं और आपको दो एक्सरसाइज देना चाह रही हूँ, इसको आपको देखकर करना है। टिक द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए लिखे हैं, पिक्चर्स भी दी है, तो आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये है एक्सरसाइज, तो ये आपको करनी है। द फिश इज आउटसाइड और इनसाइड द जार, फिश कहाँ है, आउटसाइड और इनसाइड द जार, फिश जार के अंदर है, है ना, तो क्या आएगा, किस पे टिक करेंगे हम, इनसाइड द जार। द एल्फ इज नियर और बिहाइंड द ड्रम, एल्फ है जो ये बोना, एल्फ मीन्स क्या होता है, ये बोना आदमी जो दिख रहा है वो आपको कहाँ खड़ा है, बिहाइंड और नियर, ड्रम के पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे, नियर मीन्स क्या होता है, पास में, तो कहाँ खड़ा है, पास में, तो हम किस पे टिक करेंगे, नियर। द चाइल्ड इज एट द टॉप और ओवर, ये जो बच्चा है वो कहाँ खड़ा है, लैडर के ऊपर, टॉप पे, कहाँ खड़ा है, टॉप पे। डॉग इज ऑन द सोफा और इन द सोफा,
ऑन द सोफा। डॉग कहाँ बैठा है? सोफे के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर बचे हैं वो आपको करने हैं। द रैबिट इज अंडर द टेबल और अबव द टेबल। द चाइल्ड इज एट द बॉटम और टॉप। यहाँ पर टॉप पे था लेडर पे, इस सीढ़ी पे चाइल्ड कहाँ पर खड़ा है वो आपको बताना। द लॉयन इज फार फ्रॉम द सोफा और बिहाइंड फ्रॉम द सोफा। लॉयन, जो ये लॉयन दिख रहा है और ये सोफा है, तो आपको बताना है कि लॉयन कहाँ है, सोफे के पीछे है या सोफे से दूर है। लेटर सी कम्स आफ्टर लेटर बी और बिफोर लेटर बी। जो सी लेटर है वो बी के पहले आता है या बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द थीनर पेंसिल। जो पतली पेंसिल है उस पर टिक करना है, स्मॉलर फिश पे टिक करना है, बिगर कैंडल पे टिक करना है, लाइटर फ्रूट पे टिक करना है, टॉलर ट्री के ऊपर टिक करना है, मोर बलून्स के ऊपर टिक करना है, मोर मीन्स मैनी, शॉर्टर गर्ल के ऊपर टिक करना है और लार्जर एनिमल के ऊपर टिक करना है। सो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।